हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड जो 2012 में रिलीज हुई थी विच वॉज डायरेक्टेड बाय उमेश शुक्ला और परेश रावल जी ने मेन लीड किया था और वो फिल्म सुपर हिट हुई थी लोगों को बहुत पसंद आई थी बस तो अडेप्टेड फ्रॉम अ गुजराती प्ले अभी दो में ओ माई गॉड पार्ट टू आ रही है अक्षय कुमार एंड पंकज त्रिपाठी इन द लीड रोल अब प्रॉब्लम ये हो कि अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में फ़्लॉप हो चुकी है लाइन से सात से आठ फिल्में फ़्लॉप हो चुकी है तो ओ माई गॉड थिएटर में रिलीज़ नहीं होगी अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये आई कि वो डायरेक्ट ओ टी पे आएगी इतनी सारी फ्लॉप फिल्म वो हुई अक्षय कुमार की तो द तो मेकर्स सोच रहे कि चलो इसको डायरेक्ट ओ टी टी पे डाल दो मतलब फ़ायदा क्या उससे ओ टी टी की ऑडियंस अलग है थिएटर की ऑडियंस अलग है जो लोग थिएटर में फिल्म देखते हैं वो लोग तो ओ टी टी पर मुश्किल से देखेंगे और ओ टी टी देखते कितने लोग हैं पूरा हिंदुस्तान थोड़ी देख रहे आई थिंक दो या तीन परसेंट लोग देखते रहिए ओ टी टी मुझे तो लगता नहीं कोई देखता रहेगा कि आई वो डोंट वॉच मैं भी शायद कुछ लोग देखते हुए लेकिन देखते हुए तो सभी लोग थोड़ी देखते जितने लोग थेटर में देखिए उतने लोग देखते नहीं ये लेकिन मेकर्स को लगता है कि ओ टी डालने से ज़्यादा प्रॉफिट लगेगा तो मुझे तो बस समझ में नहीं आ रहा है क्या इनका लॉजिक है ओ माई गॉड टू इज डाइडेड बाई अमित राय भी उनकी राय क्या है फिल्म के बारे में क्या थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए डायरेक्ट ऑडिटी रिलीज हो, होनी चाहिए बट एज अ ऑडियंस एज अ मूवी लवर मैं तो यही चाहूँगा कि अभल अक्षय कुमारी फिल्म में फ्लॉप बहुत लोगों की होती है तो क्या थिएटर में रिलीज़ नहीं करनी चाहिए इतने बड़े हीरो की पिक्चर थिएटर में आए इतना फ़ायदा क्या वॉट अबाउट द थिएटर ओनर्स वो लोग क्या करेंगे अरे फ्लॉप तो चलते रहते हैं थे, कि थिएटर में डालो अच्छी बात है सभी जिनको देखने के लिए देखेगी जिनको नहीं देखने के लिए नहीं देखेगी बाद में ऑडिटिपी डालो लेकिन शायद उनको अच्छी कीमत मिल रही है डबल तो चलो डायरेक्ट ओ टी टी पी डाल ओ टी टी डालू शायद मैं तो देख हुआ नहीं आई डो डोंट वॉच ओ टी टी तो बहुत सारी फिल्में देखी नहीं और लॉकडाउन में बात अलग थी जब थिएटर बंद थे तो लोगों ने ओ टी टी पर फिल्में देखी ले अभी थिएटर खुले is, मैं है इज़ इज चॉइस है डालो थिएटर में ओ टी टी में डाल के फायदा क्या आपने कितने लोग देखेंगे पता नहीं तो मेरे ख्याल से फिर फ्यूचर में तो ऐसा हो जाएगा ओ टी टी पी भी अच्छी टी वी में डाल देंगे टी वी पर देखो सीधा सेटेलाइट चैनल पे उस पर देखो डायरेक्ट तो वो ये अच्छा पड़ेगा मेरे हिसाब से तो लेट्स सी ओ माय गॉड एक्चुअली ओ माय गॉड ही हो गया है तो अक्षय कुमार व्हाट इज़ हैपनिंग इन इज करियर धड़ाधड़ फिल्में फ्लॉप हो रही है और जो भी फिल्में थिएटर में नहीं ओ टी टी पे आ रही है देखते हैं क्या होता है आगे अक्षय कुमार की आने वाली बहुत सारी फिल्में उसमें कितनी फिल्में थिएटर का मुँह देखती है कितनी ओ टी टी पे आती है वो आपको पता चलेगा लेकिन एज फॉर नाउ लेटेस्ट न्यूज़ यही है अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड टू थिएटर में रिलीज़ नहीं हो रही है वो डायरेक्ट ओ टी आ रही है देखते क्या होता है टल्लन के पहुंचे मचाने बॉब द मैथनी आइडल गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल